इन्होंने दो महीने में हमारे दो महीने हुए इनको आए, इन्होंने दो महीने में हमारे 3.5 साल से ज्यादा महंगाई कर दी है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इन्होंने की है। इनकी स्टेटमेंट्स देखें, इनकी स्टेटमेंट्स देखें। अब तो सोशल मीडिया है, आप अपने मोबाइल पे सोच, 3 महीने पहले ये क्या कह रहे थे कि इमरान खान को तेल की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए, पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए, ये सिर्फ 3 महीने पहले कह रहे थे। तो इन्होंने कहा, बस बस, इन्होंने कहा कि आपको कि ना बिजली की ना तेल की ना इसकी पेट्रोल की ना उसकी कीमत नहीं बढ़ानी। अब सुने जरा, एक मिनट सुने सुने सुने, अल्लाह याद रखे, अल्लाह अल्हक है, सच का खुदा है। तो 3 महीने में सारी कौम के सामने सच आ गया, जब 60 रुपए लीटर पेट्रोल, 60 रुपए डीजल, 10 रुपए यूनिट बिजली, सिर्फ 3 महीने में। सुनो सुनो सुनो, और अभी यही नहीं, सिर्फ अभी ये सिर्फ डीजल पेट्रोल और बिजली नहीं बढ़ी, अभी मजीद और बढ़नी है। इनका वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने आके कहा जी अभी कौम को कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी और महंगाई आपके ऊपर आने वाली है। सिर्फ वो ही नहीं बढ़ी, घी की कीमत किधर गई है, कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे घी की कीमत बढ़ी है। उसके बाद आटा, चीनी, यानी एक एक चीज, चावल, जो भी चीजें आम आदमी खाने, सब चीजें बढ़ गई। ख्वातीन को तो बेहतर पता होगा कि किस तरह चीजें बढ़ी हैं।